जिले के अंदर अगर आपको भ्रष्टाचार देखनी हो तो आप सीधे पहुंच जाइए किसी प्रखंड में और प्रखंड में बना जल मीनार पर एक नजर डालिए। आपको पता चलेगा कि जिस जल मीनार को बनाने के लिए सरकार ने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किया है, उसकी हर साल पुताई होती है, हर 6 महीने पर पुताई होती है, लेकिन उसमें वर्षों से, आप यूँ भी कह सकते हैं कि जब से इसका निर्माण होता है तब से लेकर के आखिरी दिन तक, जिस दिन आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उस दिन तक एक बूंद पानी तक सप्लाई नहीं होता है। आपको हम ताज़ा एग्जांपल दिखाते हैं। अभी हम मधेपुरा के प्रखंड कुमारखंड परिसर, जो मुख्यालय परिसर है, उसमें मौजूद हैं। मेरी नज़र पड़ गई जल मीनार पर। मेरे पीछे आप देखिए, ये बना हुआ जल मीनार है, इसकी लागत तकरीबन 1 करोड़ की होगी। 1 करोड़ की बजट में ये जल मीनार बना होगा, बनकर तैयार हुआ होगा। आपको इस तरफ दिखा देते हैं, देखिए बड़ी बड़ी टैंक लगी है यहाँ पर, देख लीजिए। इसके पीछे भी देख लीजिए, जो स्टाफ रहेंगे इसकी देखरेख करने के लिए, पानी को छोड़ने के लिए, उसके लिए रहने के लिए, और साथ ही मशीन की देखरेख करने के लिए, रखरखाव के लिए, आपको यहाँ पर पूरा सिस्टम मिल जाएगा। पूरा एक रूम बना हुआ है, साथ ही यहाँ पर देखिए मशीन लगी है, मोटर। इसके अलावा आपको यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, सारा कुछ मिल जाएगा। इसे बने हुए वर्षों बीत गए, लेकिन एक बूंद पानी अभी तक इस जल मीनार से ऊपर से नीचे नहीं उतरा है। अब सोचिए कि इसके पीछे या फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इस ब्लॉक के अंदर बैठने वाले प्रशासन जो हैं, BDO, CEO, PO, वो जिम्मेदार हैं, या फिर यहाँ के जो इस ब्लॉक के अंदर जो चेयर पर बैठते हैं प्रमुख, वो जिम्मेदार हैं? हालांकि जो प्रखंड का जो मालिक होता है वो प्रमुख ही होता है, उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ी है। उसके अलावा जो BDO लगातार यहाँ पर आते हैं, जो पढ़ लिख करके आते हैं, अच्छे खासे परिवार से होते हैं, समझदार होते हैं, उनकी नज़रें अभी तक इस पर नहीं पड़ी है। और आपको यह भी जानकारी दे दूँ कि BDO का जो चाहे जो आवास होता है इसी कैंपस के अंदर ही होता है, चाहे कोई ब्लॉक क्यों ना हो, उसके अंदर जो कैंपस है उसी के अंदर होता है। सामने में देख लीजिए, उसका घर भी है, आवास है, लेकिन उसकी नज़र इस पर नहीं पड़ी है। कोई रिकमेंडेशन करने के लिए आगे आने रहे हैं, किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो लागत लगी इसके अंदर है, सरकार का पैसा है। चूँकि वहाँ जो BDO बैठते हैं, CEO बैठते हैं, चाहे कोई अधिकारीगण बैठते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, जो भी अधिकारीगण हैं प्रशासनिक विभाग में हैं, उनके जेब से पैसा ये नहीं आता है। ये पैसा आपके हमारे टैक्स का पैसा होता है, और यही वजह है कि इस सरकारी संपत्ति पर किसी की निगाहें नहीं जाती है। और फिर जब बात आती है बंदरबांट की, कमीशन की, तो खूब लूट यहाँ पर होता है। आपको दिखा देते हैं, जरा देख लीजिए, इस जल मीनार की जो क्षमता है 50,000 गैलन पानी की है, देख लीजिए सब कुछ लिया। मोटर पंप की क्षमता है 10 HP का। इसके बाद देखिए विवरण प्रणाली की लंबाई 4579, गृह जल संयोजन की संख्या यहाँ पर अंकित किया हुआ नहीं है। पंप चालक का नाम यह है मोहम्मद तस्लीम। पंप चालक का मोबाइल नंबर जो है ये 1 नंबर से मिटा दिया गया ताकि कोई इस पर कॉल ना करे। देख लीजिए जल मीनार सफाई की तिथि 9/4/2019, मतलब लगभग आपको 4 साल पहले जल मीनार सफाई की अगली तिथि मेंशन किया हुआ नहीं है। अब सोच लीजिए कि जब ये जल मीनार बनकर तैयार हो गया था तो उस वक्त में दर्शाया हुआ है कि देखिए जब भी बना हो, लेकिन जो सफाई की तिथि है, आखिरी तिथि है 9/4/2019, उसके बाद से लेकर आज तक द सफाई हुई है। सफाई छोड़ दीजिए, जब पानी इसके अंदर नहीं आता है तो सफाई किस बात का? अब बड़े बड़े टैंक देख रहे होंगे, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये सारे के सारे जितने भी सामान यहाँ पर लगे हुए हैं सभी हमारे आपके टैक्स के पैसे के हैं। पीछे आप देख लीजिए, ये देखिए इस जल मीनार के लिए पर्सनली ये ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा आपको, देख लीजिए, ताकि बिजली की आपूर्ति सही समय पे हो, इसलिए इसने ट्रांसफार्मर लगा दिया था। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि जब से ये बना है तब से लेकर के आज तक कभी इस पर पानी ही नहीं आया है। अब ये देखिए,
ये मोटर है, जनरेटर है, माफी चाहूँगा, बंद पड़ी है, बंद पड़ा है, देख लीजिए। जब देखने वाला कोई नहीं है, जब चालू ही कभी नहीं हुआ है, तो फिर ये तो ऐसे पड़ा रहेगा ही। और सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है आपको बता देते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आपको देखना है तो आप जो जल मीनार है वहाँ पहुँच जाइए और फिर वहाँ पर देख लीजिए करप्शन कहाँ पर है। भाई एक बात बताइए, जब इस जल मीनार को बनाया गया और तब से लेकर आज तक कभी पानी इसमें आया ही नहीं, तो भाई हर साल हर 6 महीने पर इसकी पोताई क्यों हो रही? भाई इसमें पोताई क्यों हो रही है? मतलब 8 से 10 लाख, कम से कम 10 लाख का बजट तो होगा ही उसमें। भाई 10 लाख रुपए किसी के बाप का थोड़े है भाई, आम जनता का पैसा है, वो आम जनता का टैक्स का पैसा है। हम लोग टैक्स पे करते हैं, हर रोज पे करते हैं टैक्स, आम जनता टैक्स पे करता है पैसा, उसका पैसा है। जब इसमें पानी आता ही नहीं है तो पैसा खर्च क्यों, पैसे की बंदरबांट क्यों हो रही है? बहुत बड़ा सवाल है। हम यहीं पर एक स्टाफ है जो काफ़ी पुराना है, उनसे भी जान लेते हैं कि जब से ये बना है तब से लेकर आज तक क्या इसमें पानी आया है या नहीं है। देखिए प्रूफ के तौर पर सामने बैठी हुई, क्या नाम हुआ आपका? हम जानते हैं, जानते हैं, कोई खिलाफ नहीं है, खिलाफ नहीं है। ये है दुर्गा देवी जी। आप कब से इस ब्लॉक में काम करती है? बहुत तो दिन सब सब पहले सब परिवार ही रह रहे जगह, मतलब कम से 20 साल से ऊपर। हाँ। ये जो चार मीनार है जो आपके सामने खड़ा है पीछे में, तो आपके सामने बना है क्या ये? हाँ। बना है। कितना साल लगभग पहले बना होगा? बाढ़ के समय बने, बाढ़ के समय में, मतलब 2008 की बात कर रही हैं आप, उसी वक्त बाढ़ आया था। हाँ। तो 8 को भी आपको 13 और 2 15 साल हो गया, क्या उस समय से लेकर आज तक कभी पानी आया इसमें? पानी आवे छे खोले ले एकटा ठेकेदार। इसमें कभी पानी आया है? हाँ, चुए छे पानी खोले छे तत से। कैसे पानी आएगा जब सब कुछ बंद पड़ा है, कैसे पानी आ जाएगा? वो आप का खोले छे ना ठेकेदार, आप 4 दिन 5 दिन पर। सच बोलिए, देखिए नहीं सच नहीं बोल रही आप। जब सच आप बोलेंगी तो कोई भी व्यक्ति जो अंधा भी हो, जैसा आइए आप लोग इधर आइए, आइए इधर इधर आइए, आइए 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 आप लोग आइए आइए, अरे आपके पैसे का बना है, आप आइए इधर आइए। जरा सा मुझे बताइए, जब ये कभी देख आपको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कभी ये चालू हुआ ही नहीं है, देख लीजिए कभी चालू नहीं हुआ होगा? नहीं है। कब से आ रहे प्रखंड में आप? हम तो जब से जन्म हुआ तब से इसे 30 साल से आ रहे। पंचायत का हम जो है नागरिक है। नागरिक है जी हाँ, जरा पंचायत का शिवपुर गढ़िया किसी पंचायत के नागरिक जी हाँ। बताइए ये जब से बना है आपके सामने बना होगा? हाँ, कभी हाँ, पानी इसमें आया है? नहीं आया है। कभी आया है? नहीं आया। कभी नहीं आया है। अब दृश्य के माध्यम से देख लीजिए, जनरेटर बिल्कुल पुराना है, सारा चीज बना हुआ है। हाँ। लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। उपयोग नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। सोचिए इसके अलावा देख लीजिए, सामने में है जनरेटर, देख लीजिए बिल्कुल बंद पड़ा है, कहीं आपको देखने को नहीं मिला, खुला हुआ है। इस टंकी की स्थिति को देख लीजिए, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, है ना? एकदम पूरा पब्लिक का पैसा का पानी हो रहा है। इस प्रखंड की बात कर रहे हैं, ये कोई काम बिना पैसा का नहीं हो रहा है। अच्छा। इस प्रखंड की बात कर रहे हैं, बताइए। हम तो खुला खुला कर रहे हैं, कोई भी है बिना पैसा का साधारण काम भी बिना पैसा लिए हुए नहीं करता है, साधारण साधारण काम। सोच लीजिए, अब सोचे कोई आवेदन सीओ के पास लेकर जाते हैं तुरंत मधेपुरा भेज देता है, जाए सक्षम पदाधिकारी अपना पर कोई भार नहीं लेता है, ना रिकॉर्ड मिलाता है ना कुछ मिलाता है, और सीधे मधेपुरा भेज देता है, कोई अपना पर भार नहीं लेना चाहता है। पब्लिक पूरा तंग है, यहाँ का विद्रोह नहीं कर रहा है पब्लिक, यही समझिए। इसलिए विद्रोह नहीं कर रहा है कि पब्लिक को फंसाने के लिए चाह रहा है इस रीजन में। अरे काहे फंसाएगा? देखिए सिर्फ एक गलती ना हो, एक गलती यहाँ पर नहीं है, इस प्रखंड के अंदर इस कैंपस से कई बार खबर चलाया गया है कि यहाँ पर गाड़ी लेकर के आम जनता आते हैं, फिर गाड़ी यहाँ पर चोर लेके भाग जाते हैं, चोरा के भाग जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा बाद में लगा है, लेकिन वो भी कारगर नहीं साबित हो रहा है। भाई एक चीज़ बताइए, हर ब्लॉक को साफ सुथरा बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए, कम से कम उसकी जो चौहद्दी है, बाउंड्री लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ कचरा का ढेर दिखाई देगा, कहीं भी बाउंड्री आपको दिखाई नहीं। देख लीजिए और किस प्रकार से देख लीजिए, सारा कुछ यहाँ पर है। और आपको ये देख लीजिए, ये वही कमरा है जहाँ पर लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है और सुनने को मिलता है। ये देख लीजिए, इसके अंदर पंचायत समिति
सदस्य लोग बैठते हैं उन्हीं का कार्यालय है, और कार्यालय का गेट को देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये जो है जो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये कभी चालू हुआ नहीं होगा, आज तक कभी चालू नहीं हुआ होगा। ये अगर ये चालू हुआ होता तो आप सामने देख लीजिए, देखिए। इतना ही नहीं, आपको आगे भी दिखाएंगे वहाँ पर जो बिल्डिंग बनी है और बिल्डिंग के जो रखरखाव है, देखभाल के लिए जो भी स्टाफ यहाँ पर हायर किए गए हैं, आपको सब की स्थिति वैसे की वैसे दिखाई देगी। तो ये कहानी है आपको कुमारखंड प्रखंड की। और बरसात के मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर आप इन भी नहीं कर पाएंगे, उस वक्त में कम से कम घुटने भर पानी रहता है, कोई ढंग का लोग इस कैंपस के अंदर आते नहीं हैं, आएंगे भी नहीं। यहाँ किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तो यहाँ पहुँचते हैं। ये स्थिति है कुमारखंड प्रखंड, जो प्रखंड मुख्यालय परिसर है उसकी। बाकी इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को, सहयोगी जयराम को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।